नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा से फिर एक बार दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक बार फिर एक बेटी को हैवानों ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। जहां सूबे के मुखिया लगातार अपने प्रशासन की पीठ थपथपाती है और क्राइम पर नियंत्रण पा लिया है, ऐसा कई बार प्रशासन भी कहते दिखती है, लेकिन सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के गृह जिले में एक बार फिर हैवानियत की घटना सामने आई है, जहां नीतीश कुमार लगातार बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एक बार फिर एक बेटी की आबरू को तार तार कर दिया गया है। बता दें कि सिलाब थाना क्षेत्र इलाके में एक गांव में दो बदमाशों ने एक मूक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में पीड़ित बच्ची के परिजनों ने बताया कि बच्ची शौच के लिए पास के खेत में गई थी, जहां दो बदमाशों ने बच्ची को अकेले देख उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा बदमाशों को बच्ची के साथ गलत करते काम देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक बदमाश को घटना स्थल से पकड़कर उसे पेड़ में बांध दिया और उसके साथ ग्रामीणों द्वारा पिटाई भी की गई। हालांकि इस दौरान एक बदमाश भागने में सफल रहा। ग्रामीणों के द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, तब जाकर पुलिस ने खंधे से बंधे हुए बदमाश को छुड़ाकर अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल पुलिस बच्ची को मेडिकल के लिए बिहार सदर अस्पताल भेज दिया है और फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। सुन गया? हाँ। अच्छा, इसको देखा तो पता था सास और खेत ले चल के बगीचा में। अच्छा, बगीचा ले गया ता ये कर बोल दिया कि जाऊं उतना खा ले, ता हमने ऐसे दौड़े तो वो भाग गया। भाग गया ता हमने रगेड़ लगे। अच्छा, इसके वो जो छोड़ दिए हमने रगेड़ लगे उसे। अच्छा, कितना लोग था वो? जमान था। के लोग कई को था? दो ठो है। अच्छा, तो गलत काम किया? हाँ, देखे तो बुतरू की बच्चा केस तो उसको नहीं देखे अति करते, मगर ये पजामा उजामा सरसों से निकाल के चढ़ा रहा था। तो बच्ची गूंगी है? गूंगी नहीं बोलता है। हाँ।